हम थोड़ा आर्टिकल्स जो इम्पोर्टेंट हमारे एग्जाम में माय डियर स्टूडेंट, इसको समझने की कोशिश करो और हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे पार्ट वन, बहुत सारे अभी 25 भाग बना दिया, पहले 22 पार्ट था, अभी 25 पार्ट्स हो गया। प्रत्येक चीज़ को भाग दिया, जो संविधान को हम बोले थे। तो भाग वन में क्या है, 1 से 4 तक। एक में क्या बोला है, हमारा इंडिया है, मतलब भारत राज्यों का संघ है। दूसरा में क्या बोला है, राज्य का निर्माण, वन बाय वन समझो। तीसरा में क्या बोला है, नाम क्षेत्र, किस स्टेट का क्या नाम होगा। फिर भाग टू में क्या बोला, 5 से 11 तक नागरिकता, सिटीजनशिप। 5 से 11 तक में पूछेगा क्या है सिटीजनशिप, जैसे हम इंडिया का सिटीजनशिप है तो 18 साल चाहिए ना, पहले 21 वर्ष था लेकिन अब क्या है 18 साल है। भाग थ्री में क्या बोला गया, 12 से 35, जो हम अभी डिस्कस किए थे पिछला वीडियो में, फंडामेंटल राइट। तुमको ऐसे ही पूछ सकता है मौलिक अधिकार कितना अनुच्छेद में लिखा हुआ है, कौन सा आर्टिकल में, तो 12 से 35। भाग फोर में क्या है, 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व, इसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ये क्या होता है बाबू, चुटकी में बोलना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल मतलब गवर्नमेंट व्हाट एवर डू वर्क्स फॉर द पीपल ऑफ कंट्री, जो भी काम करेगा देश के लिए करेगा। नियम कहता तो है, लेकिन नियम यही कहता है जो भाग फोर में 36 से 51 तक जो है वे नीति निर्देशक तत्व, जो भी गवर्नमेंट करेगा जनता के भला के लिए करेगा, लेकिन अपना ही सब कुछ कर लेता है। क्रांतिवीर का मूवी देखा होगा और बोलने का जरूरत नहीं। भाग फोर में 51A में क्या है बोले थे, 51A 51A में क्या बोले थे, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज कितना है, 11। फंडामेंटल राइट कितना है, 6। पहले कितना था, 7। कौन सा हटाया गया, राइट टू प्रॉपर्टी। कौन सा ईयर में, 1978, याद रखना, सब क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद जो है सो, और ये मौलिक जो फंडामेंटल ड्यूटीज है इसको कब जोड़ा गया था, तो 42 अमेंडमेंट 1976 में जोड़ा गया था। इसमें इसको भी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में, बहुत कुछ सेकुलर सोशलिज्म बहुत सारा वर्ड्स जोड़ा गया। तुमको पूछेगा 1976 ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, हम बोले थे ना पार्लियामेंट तीन बार, तो प्रेसिडेंट में पहला 52 में क्या बोला है, उसका पोस्ट क्या होगा। 53 में, 53 में क्या बोला है, उसका क्या है पावर पूछ देगा। 54 में क्या होगा, निर्वाचन, इलेक्शन के इलेक्शन। 54 में क्या होगा, तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन। 61 में क्या है, महाभियोग। महाभियोग क्या होता है, इम्पीचमेंट, अगर वह गलती किया तो भगा सकता है उसे, मतलब पोस्ट से हटा सकता है। 61 में महाभियोग लगाया गया है, 61 बोले हैं महाभियोग। उसके बाद 72 में हम जो बोले थे ना क्षमादान, मतलब क्या, किसी को भी क्षमा कर सकता है, किसी को फांसी दिया, तो सिर्फ कितना में है, 72 में है। 85 में क्या है, ये लोकसभा का कैसे फॉर्मेशन होगा, क्रिएशन होगा। 123 में क्या है, अध्यादेश जारी करना, कोई भी रीड्स होता है सब बताएंगे। 143 में क्या है, SC मतलब सलाह, सुप्रीम कोर्ट का सजेशन लेना। अब आता है वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट कितना में, 63 में, उसका पोस्ट 63 में। 64 में क्या है, राज्यसभा का सभापति पूछता है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति, बहुत बार पूछा है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। वहीं पे राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। अब आते हैं प्रधानमंत्री, PM, प्राइम मिनिस्टर, तो इसको मंत्रिपरिषद भी बोलते हैं, जिसको कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं, हिंदी में मंत्रिपरिषद और अंग्रेजी में कैबिनेट मिनिस्टर। ये 74 में, 74 में है, और 75 में प्रधानमंत्री बनेगा, कैबिनेट मिनिस्टर इलेक्शन करेगा, चूज करेगा, तब 75 में। ये याद रखना, डायरेक्ट पूछ देता है। पार्लियामेंट कितना में है, 79 में, देखो सीक्वेंस से, 79 में पार्लियामेंट है, 80 में क्या है, राज्यसभा है, और 81 में लोकसभा, याद रखोगे ये चीज। 79 में क्या है, पार्लियामेंट, 79 में पार्लियामेंट, 80 में राज्यसभा। राज्यसभा क्या बोलते हैं, अपर हाउस, राज्यसभा क्या बोलते हैं, अपर हाउस। 81 में क्या है, लोकसभा, इसको क्या बोलते हैं, लोअर हाउस। अपर हाउस में, राज्यसभा में कितना मेंबर होता है, 250। 81 लोकसभा में कितना होता है,
552 मैक्सिमम, उतना पर नहीं लगा जाता, लेकिन कंपटीशन के अनुसार से तुम इतना ही याद रखोगे। और हम समझाएंगे कैसे होता है। 100 में क्या है, अध्यक्ष का निर्वाचन। 105 में क्या है, संसदीय विशेषज्ञ अधिकार। 110 याद रखना, धन विधेयक। समझाएंगे धन विधेयक क्या होता है नेक्स्ट लेक्चर में, इतना याद रखो। 110 में धन विधेयक। 112 बजट, बजट पेश होता है ना, प्रत्येक साल बजट पेश होता है, जो फिनेंस मिनिस्टर होता है। अभी फिनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमण, तो वही बजट तो पूछ देगा बजट कौन सा आर्टिकल में है, तो 112। 115 में क्या है, तो लेखा अनुदान लेखा। 117 याद रखना, विद विधेयक, फिनेंस का कोई विधेयक होता है, इतना याद रखना। 124 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। 131 में क्या है, मूल अधिकार का जो भी है उसे दिया हुआ है। और महान्यवादी याद रखना, 76 महान्यवादी क्या होता है हम समझाएंगे। और कैग पूछ देता है, कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल, ये कितना है, 148 में है। तो इतना याद रखोगे। और उसके बाद जो है सो फंडामेंटल राइट बोले, तो पहला क्या है, समानता, जिसको राइट टू इक्वलिटी बोल दिया हूँ, 1418। फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम कितना में है, 19 से 22 तक में है। राइट टू एक्सप्लॉयटेशन जिसको हम बोलते हैं शोषण के विरुद्ध, 23 से 24। राइट टू फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता, हम कोई भी धर्म ले सकते हैं, ये 25 से 28 तक दिया हुआ है। सांस्कृतिक एवं शिक्षा ये का जो अधिकार है, पांचवा जो है 29 से 30 तक दिया हुआ है। और संविधानिक उपचार कितना में है, 32 में। हम 5 रीट्स भी बोले थे, हॉब्स क्रॉप्स और सब बोले थे ना, 5 हॉब्स क्रॉप्स, प्रेसियो, प्रोविजंस, उसके बाद जितना सारा है ये सब रीट्स इसी में दिया हुआ है, 32 आर्टिकल्स में। तो अगर हमारा अधिकार हो कुछ भी होगा, हम कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू।